हेलो दोस्तों, फूड एक्सपर्ट प्रीति में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली का नाश्ता, क्योंकि टाइम हो कम और बनाना हो कुछ हेल्दी नाश्ता, टेस्टी नाश्ता, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उसे बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 1.5 कप सूजी। सूजी हमने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ली है, और 1 कप हमने लिए फ्रेश दही। और फ्रेंड, यहाँ पे हमने लिए 2 मूली और करी पत्ता, हरा धनिया और काली वाली जो राई होती है हमने वो ली है, और 1/2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया है और रेड चिल्ली फ्लेक्स लिए हमने। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार आप। तो फ्रेंड, मूली को हमने पहले ही वॉश कर लिया है और सुखा लिया हमने मूली को सूखे कपड़े से। उसके बाद हम मूली को यहाँ पे छीलेंगे। छीलने के बाद हम मूली को कद्दूकस करेंगे। तो फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड, अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड, मूली छीलने के बाद हम कद्दूकस कर लेंगे, और कद्दूकस करने के बाद हम जो मूली के अंदर पानी होता है हम उसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि पराठे बनाते टाइम जो मूली के अंदर का पानी होता है हम उसे कपड़े में रख के निचोड़ लेते हैं। लेकिन फ्रेंड, हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें ये झटपट सा नाश्ता बनाना है तो हमें इसमें टाइम भी बहुत कम लगने वाला है। तो फ्रेंड, मूली हमने छील लिए हैं, अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे ग्रेटर की सहायता से। तो फ्रेंड, आप इस रेसिपी को टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, और बहुत जल्दी बन जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि मॉर्निंग में सबको जल्दी होती है और आप इसे जल्दी बना भी सकते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं हमने मूलीज को कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक बड़े बाउल में जो सूजी हमने ली है वो ऐड कर देंगे। ज़्यादा मोटी वाली सूजी नहीं लेना है हमें, जो बारीक सूजी आती है हमें वो लेना है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो मिक्सी में डालकर उसको पीस सकते हैं। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे दही ऐड कर दिया है। दही हमें बिल्कुल फ्रेश दही लेनी है, मीठी वाली जो दही होती है वो लेनी है, खट्टी दही बिल्कुल भी हमें ऐड नहीं करना है यहाँ पे। फ्रेंड, दही ऐड करने के बाद जो हमने मूली कद्दूकस किए थे वो ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद जो हमने काली मिर्च पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स लिए थे वो भी ऐड कर देंगे हम इसमें। फ्रेंड, इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वादानुसार। इसमें 1 चुटकी जितना हम सोडा ऐड करेंगे इसमें, बेकिंग सोडा। एक चुटकी से भी कम लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या आप इसकी जगह इनो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। फ्रेंड, हमने इसमें 1 कप दही ऐड किया था, तो हम इसमें 1/2 कप उसी कप से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड, देख सकते हैं हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर रहे हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
फ्रेंड इसे हम मिक्स करने के बाद हम इसे 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ढक के, ताकि जो सूजी है हमारी अच्छे से फूल जाए। और फ्रेंड हमें इसका बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, मैंने आपको क्वांटिटी बता दी है। अगर 1.5 कप सूजी है तो हमें उसमें 1 कप दही और 1/2 कप पानी ऐड करना है, तो आप इस हिसाब से अपना जो बैटर है बना सकते हैं। तो हम फ्रेंड हमने इसे मिक्स कर दिया और ढक दिया है, तो हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के करने के लिए हमने छोड़ दिया था। उसके बाद देख सकते हैं हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है। तो फ्रेंड अब हम इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और अब हम चलते हैं अब गैस की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने गैस पे पैन रख दिया है और गैस का फ्लेम हम ऑन करेंगे। तो पहले हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, जब हमारा ये पैन हीट हो जाएगा तो उसके बाद हम मीडियम करेंगे गैस का फ्लेम। तो फ्रेंड ये हीट हो चुका है, तो यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है इस पे। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल या बटर कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो। इस घी को हम पूरे पैन पे फैला देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड इसके बाद जो हमने काली वाली राई ली थी वो ऐड करेंगे। करी पत्ता ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हमने बैटर बनाया था वो ऐड करेंगे हम। फ्रेंड मैं छोटे छोटे पीसेस करके यहाँ पे बना रही हूँ, आप चाहे तो पूरे पैन पे एक बड़ा सा भी बना सकते हैं। तो हमने इस तरीके से इसे बैटर को हमने पैन पे रख दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो फ्रेंड 10 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। अब तो हम दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं, एक साइड से हमारा अच्छे से सिक गया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसे बनाना कितना आसान है, ना आपको इसमें आटा गूंथने की ज़रूरत है, ना आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ मसाले चाहिए, ना आपको प्याज चाहिए। बस झटपट से ये मूली का नाश्ता बनके तैयार हो गया हमारा। तो फ्रेंड अब हमने दूसरी साइड से सेकना है इसे, तो हम फिर से इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। फ्रेंड अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे हाई फ्लेम पे भी बना सकते हैं, 10 मिनट की जगह आप इसे 3 मिनट या 5 मिनट के लिए भी कवर करके आप बना सकते हैं, बन जाएगा बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारे मूली का नाश्ता बनके रेडी हो गया है खाने के लिए, और अच्छे से हमने दोनों तरफ से सेक लिए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और मैं इसे अभी टमाटो सॉस के साथ सर्व करूंगी। आप अगर आपको हरी चटनी के साथ खाना आप उसके साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना है ये हमारा झटपट सा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक रेसिपी के साथ।